केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाबा साहेब ने मिली शिक्षा से रचा महान संविधान, विधायक बंडेपा काशिमपुर ने कहा। चिड़गुप्पा से बीदर, गुलबर्गा, हुमनाबाद और बीदर को रात के समय बस संचार की व्यवस्था करने मंत्री श्री रामलु से आग्रह। साबित हो गया है कि यह 40% कमीशन सरकार है। कर्नाटक में रिश्वत लेने के आरोप में भाजपा विधायक के बेटे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का तंज। पहली कर्नाटक चुनाव रैली में केजरीवाल ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए आपको एक मौका देने का आग्रह किया। अधिकतम पहुंच गति बनाए रखने के लिए तकनीक का उपयोग करें। सुरक्षित शहर परियोजना शुरू करने के बाद अमित शाह ने बेंगलुरु पुलिस को बताया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिणा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडेपा काशिमपुर ने कहा कि बीआर अंबेडकर की कड़ी मेहनत की शिक्षा दुनिया के सबसे बड़े और महानतम विधान संविधान के निर्माण का कारण थी। वे शुक्रवार की रात बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नागौरा गांव में श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति बाल जिला शिक्षण संस्था के ज्ञानोदय कॉन्वेंट वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब हर कस्बे में बड़े बड़े स्कूल हैं। हमारे समय में भी स्कूल कम थे, फिर भी 130 साल पहले जब बाबा साहेब का जन्म हुआ था तब तालुका में हाई स्कूल नहीं था। ऐसे ही दिनों में उन्होंने पढ़ा लिखा और विदेशों से डिग्रियां हासिल की। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की उसके कारण ही उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान लिखा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। साड़ी को दौड़ दौड़ नहीं मोरा वंटा ना हो जाएगा बाढ़ कमी तो ना नम टाइम ने के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोड़ और हम हो 130 वर्ष पहले और हुट्टिदाग ये साड़ी इतु विजय कुमार तालूक हईस्कूल इतना मत और हम ओद्वर हम बरद् फारेन हम डिग्री तड़ी विश्वदे दुड प्रमाण अत्यंत श्रेष्ठ संविधान इवत बरबर शिक्षण कारण और हुमनाबाद के पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर के फार्म हाउस पर पहुंचे राज्य परिवहन मंत्री श्री रामलु को चिड़गुप्पा नगर सभा के वार्ड नंबर 12 के काउंसलर और शहर के लोगों ने मंत्री को एक ज्ञापन देकर बताया कि रात के समय चिड़गुप्पा हुमनाबाद के लिए बस की व्यवस्था नहीं है और न ही बीदर, हैदराबाद और गुलबर्गा के लिए उपलब्ध है। लोगों ने व्यवस्था करने के लिए आग्रह किया तो मंत्री ने उसी समय विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात करके व्यवस्था करने की निर्देश दिए। चिड़गुप्पा से आजिम की रिपोर्ट। अब राज्य के अन्य समाचार। कांग्रेस ने शुक्रवार को कर्नाटक के लिए विधायक के बेटे को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह साबित करता है कि यह राज्य में 40% कमीशन सरकार है। लोकायुक्त अधिकारियों ने भाजपा विधायक के मदल विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत मंडल के घर से 6 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की, जो कथित रूप से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत बुरा है, जो लोग आरोप लगा रहे थे वह साबित हो गया कि यह 40% कमीशन की सरकार है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त को यह सब करने वाले दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कर्नाटक के लोगों से आम आदमी पार्टी को 5 साल के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का मौका देने की अपील की। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का भी वादा किया। कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि पार्टी शासित पंजाब में एक मंत्री और एक विधायक को जेल हुई थी। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राज्य में 40% कमीशन की सरकार चल रही है।
मैं ओथ दिलवाऊंगा सब लोगों को। सबके पास ओथ वाला कागज है? आई अपना नाम बोलिए अब। स्वियर दैट आई विल फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ आम आदमी पार्टी विथ सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी। आई शैल परफॉर्म माय ड्यूटी विद फुल डिवोशन एंड कमिटमेंट। आई शैल वर्क टू सर्व पीपल एंड नॉट फॉर पोजिशन प्रेस्टीज और मनी। आई स्वेयर टू डेडिकेट माई सेल्फ टू फॉर्म आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन कर्नाटका। आई शैल वर्क टू बिल्ड अ करप्शन फ्री स्टेट टू ब्रिंग रिलीफ टू द लाइव्स ऑफ कॉमन मैन इन कर्नाटका। जय कर्नाटका, जय हिंद। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि शहर के पुलिस को सही तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग करते हुए आपातकालीन स्थितियों से निपटने में अधिकतम पहुंच और गति बनाए रखनी चाहिए। भाजपा नेता ने 632 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत 112 प्रतिक्रिया प्रणाली और मोबाइल कमांड और नियंत्रण वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, बेंगलुरु जैसे शहर के साथ पुलिस के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए सही तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन स्थितियों में कार्य करते हुए अधिकतम पहुंच और गति बनाए रखनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को परियोजना का इष्टतम उपयोग और समग्र कार्यान्वयन भी सूचित करना चाहिए। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शुक्रवार 3 मार्च को दावा किया कि हिजाब प्रतिबंध के बाद से परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, हिजाब पर प्रतिबंध के बाद अधिकतम मुस्लिम बहनें परीक्षा में शामिल हुई और अब अधिक मुस्लिम लड़कियां का नामांकन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शुक्रवार 3 मार्च को बीजेपी विधायक मंडल विरूपक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु ग्रामीण के देवनहल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया, भ्रष्टाचार के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और लोगों से वोट देने का आग्रह किया। आगामी चुनाव में भाजपा के लिए विरूपक्षप्पा का इस्तीफा उनके बेटे वी प्रशांत मदल को कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा बेंगलुरु में उनके पिता के कार्यालय में 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने के बाद आया है। लोकायुक्त पुलिस ने प्रशांत के आवास से 6 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब धनराशि में बरामद की थी।
यह घटना एक हफ्ते बाद आई है कि जब अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम येडियुरप्पा पर अपना विश्वास व्यक्त किया था, जिसमें कहा गया था कि उनका नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक लाएगा और इससे दक्षिणी राज्यों में शीर्ष स्थान पर पहुंचाएगा। बेंगलुरु के मुंडलपालिया में एक दुखद घटना घटी जब एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 3 बच्चों सहित घर के 13 सदस्य घायल हो गए। घायलों की पहचान अजमल नजीमा, रियान अजवान, फयाज अमीना जान, शबनम नसीमा, सलमा रेशमा बानो और 3 अन्य रिश्तेदारों के रूप में हुई है। खबरों के मुताबिक परिवार शुक्रवार को एक समारोह के लिए इकट्ठा हुआ था और महिलाओं ने पिछली रात मिठाई बनाई थी। आशंका जताई जा रही है कि गैस चूल्हे को छोड़ दिया गया था, जिससे गैस का रिवाज हुआ, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। शुक्रवार की सुबह परिवार के एक सदस्य ने लाइट जलाकर गैस जलाई और घर में धमाका हो गया। पड़ोसियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी निवासियों को बचाया, लेकिन ज्यादातर झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। धमाका इतना तेज था कि मकान की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। राजाजी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है। कर्नाटक सरकार ने शनिवार से शुरू होने वाले यातायात उल्लंघन के मामलों के दंड पर 50% छूट के लिए 15 दिन की अवधि बढ़ा दी है। यह पेशकश 3 फरवरी से 11 फरवरी तक दी गई इसी तरह की छूट की सफलता का अनुसरण करती है, जिसके दौरान लगभग 42 लाख यातायात उल्लंघन के मामले साफ किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अकेले बेंगलुरु में 121 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह हुआ। कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की सलाह के आधार पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए छूट की शुरुआत की गई थी। जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने छूट विंडो के विस्तार का अनुरोध किया। हालांकि 11 फरवरी को निर्णय लेने से पहले खिड़की बंद हो गई। छूट का लाभ उठाने के लिए मोटर चालक बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर अपने खिलाफ लंबित मामलों की जांच कर सकते हैं और कर्नाटक वन पेटीएम या शहर के किसी भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक प्रबंध केंद्र का उपयोग करके ऑनलाइन जुर्माना भर सकते हैं। फिर से एक नज़र डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बाबा साहेब ने मिली शिक्षा से रचा महान संविधान, विधायक बंडेपा काशिमपुर ने कहा। चिड़गुप्पा से बीदर, गुलबर्गा, हुमनाबाद और बीदर को रात के समय बस संचार की व्यवस्था करने मंत्री श्री रामलू से आग्रह। साबित हो गया है कि यह 40% कमीशन सरकार है। कर्नाटक में रिश्वत लेने के आरोप में भाजपा विधायक के बेटे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का तंज। पहली कर्नाटक चुनाव रैली में केजरीवाल ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए आपको एक मौका देने का आग्रह किया। अधिकतम पहुंच गति बनाए रखने के लिए तकनीक का उपयोग करें, सुरक्षित शहर परियोजना शुरू करने के बाद अमित शाह ने बेंगलुरु पुलिस को बताया। केबी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।